फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस के मैंने चारों पार्ट आपको करवा दिए हैं, और अगर आपको प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ आ गया तो अब पास्ट और फ्यूचर टेंस को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अब तक आपको सेंटेंस बनाने की, उसकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं, कहाँ नोट लगता है, कहाँ हेल्पिंग वर्ब लगती है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। पहले मैं आपको डिफरेंस बताता हुआ चलूँगा कि प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या फ़र्क होता है। पहले देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं, और इसकी पहचान क्या होती है, ता था, ते थे और ती थी। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, ता है, ते है और ती है। इसमें क्या आ जाएगा, ता था, करता था, यानी कि जैसे वह क्रिकेट खेलता था, वह गाना गाता था, वह खाना पकाती थी, ऐसे पास्ट की बात करेंगे हम इसमें। या फिर आवाज़ किसकी आएगी, आ ए ई। जैसे मैंने ये कह दूं कि उसने खाना खाया, उसने खाना पकाया या उसने क्रिकेट खेली, तो ये भी क्या होते हैं आपके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही सेंटेंसेज होते हैं। या फिर मैं कहूँ कि आ था, ए थे, ई थी, थी अगर बाद में आ जाए तब भी वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। जैसे हम ये कहें कि वह कल दिल्ली गया था, तो ये भी क्या आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैं कल क्रिकेट खेला था या मैंने कल क्रिकेट खेली थी, ये भी क्या आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस मैं आपको आज कराऊंगा, उससे आपको पहचान हो जाएगी कि सारे के सारे टेंस क्या है आपके, सेंटेंसेज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही है। और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगी, डिड लगेगी, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके अंदर और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या फ़र्क है। देखो, हम दोनों टेंस को साथ साथ करते हुए चलते हैं। स्टार्टिंग में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दोनों में हम ये भी समझेंगे कि डिफरेंस क्या है, और फिर हम ये समझेंगे कि दोनों के अंदर क्या चीज़ें सिमिलर है, दोनों में सेम क्या चीज़ें हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ पहचान। पहचान आपको बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैंने बताई थी, वो क्या होती है, ता है, ते है और ती है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी आपकी, ता था, ते थे या ती थी। इसकी और भी पहचान होती है, मैंने आपको बताया आ ए ई या आ था, ए थे और ई थी भी होती है। फिर बात करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको ध्यान है तो क्या होती है आपकी, डू या फिर डच। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है अपनी, डिड होती है। वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, देखो वर्ब की यहाँ पे लगती थी फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ईएस, और यहाँ पे क्या लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। फिर ये अपने क्या होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के अंदर मेन डिफरेंस है। लेकिन आप एक बात सोचो, मैंने आपको एक पहले लेक्चर के अंदर रूल बताया था, जनरल रूल के अंदर, अगर आपने लिखे हुए नोटबुक में चेक करो, जनरल रूल्स के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि सेंटेंस में कहीं पे भी डू आए, डज आए और डिड आए, इन तीन हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी आ जाए तो इसके बाद हमेशा क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ना उसके पीछे एस या ई एस लगता, ना आई एन जी लगता, ना सेकेंड फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म, सिर्फ क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब किया था उसमें एफिर्मेटिव सेंटेंस थे, उसमें क्या थे आपके, एफिर्मेटिव सेंटेंसेज। एफिर्मेटिव में क्या था, जैसे वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। देखो, अगर इंग्लिश को थोड़ा अच्छे से आप समझना चाहते हो तो फिर साथ साथ में जो चीज़ें आप कर चुके ना उनकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आपको दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस पता लग सके और साथ में ये पता लग सके कि दोनों के अंदर कुछ सिमिलरिटी क्या है, समानता क्या है दोनों में। वह खाना खाता है, इसकी इंग्लिश हमने बनाई थी क्या, ही ईट्स फूड। यानी कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, डू और डज, वो एफिर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगती थी, वो किस में लगती थी, नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस क्या, जैसे वह खाना नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट फूड, ये बनाई थी हमने, ही डज नॉट ईट फूड। तो हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो किस में लगती है आपकी, नेगेटिव के अंदर, फिर इंटेरोगेटिव के अंदर, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर, यानी एफिर्मेटिव में इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। इसी तरह से बिल्कुल सेम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर मैं आपको बताता हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे वह खाना खाता है, खाता था लिख लो, है ना, ता था की आवाज़ कर दो, तो क्या लिखेंगे इसमें, ही वर्ब की सेकंड फॉर्म, ईट की सेकंड फॉर्म होती है ईट, एट, ईट एट ईटन, है ना, ही ईट एट फूड, क्या आ गया। इसमें देखो हमने क्या लगाई, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, तो क्या हमने यहाँ पे डिड लगाई, आप कहोगे जी डिड तो नहीं लगाई, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि एफिर्मेटिव सेंटेंस जो है, एफिर्मेटिव सेंटेंसेस में
हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या है आपकी डिड है वो नहीं लगेगी। जैसे कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस था उसके जो एफिर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जैसे राम खाना खाता है, वह क्रिकेट खेलता है, इस तरह के सेंटेंसेज में डू या डज हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। ये कब लगती है? जब हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे या फिर क्या बनाएंगे, इंटरोगेटिव बनाएंगे। सेम यही चीज़ आपकी क्या है पास्ट इनडेफिनिट में है। पास्ट इनडेफिनिट में जो एफिर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें नोट नहीं लगता, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, उसके अंदर डिड का यूज नहीं होगा। डिड का यूज कब होगा? अगर आप कहो कि सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है या इंटरोगेटिव बनाना है तब आपका क्या होगा, डिड यूज होगा, अदरवाइज हम डिड का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई। अब मैं एक आपको सेंटेंस देता हूँ, आपको मैं डिटेल में तो बताऊंगा, थोड़ा मैं डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि वह खाना नहीं खाता था, था की आवाज़ आ गई, तो क्या लिखेंगे? ही, पास्ट की बात आ गई, पास्ट इनडेफिनिट, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डिड। ही डिड नॉट ईट फूड। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको रूल तो क्या बताया था कि पास्ट इनडेफिनिट टेंस जो आज हम सीखने वाले हैं उसकी वर्ब क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। लेकिन वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहाँ लगेगी? सिर्फ एफिर्मेटिव सेंटेंस में, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में क्या आ गया आपका? डिड। और डिड के बाद तो हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे लिख लो, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म मैं कह रहा हूँ ना आपको, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगेगी? एफिर्मेटिव सेंटेंस में आएगी। यहाँ पे क्या लगेगी आपकी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और बाकी सब सेंटेंसेज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्यों लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? क्योंकि वहाँ पे क्या आ जाएगा? डिड आ जाएगा। और डिड के बाद तो मैंने आपको बता रखा है क्या लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही सारी चीज़ों को मैंने जो है ना एक समरी के रूप में बना के और मैंने लिखा हुआ है, ये आप नोट कर लेना कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को याद करो, वहाँ हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगती है, यहाँ डिड लगेगी। वहाँ भी एफिर्मेटिव सेंटेंसेस में डू या डज नहीं लगता, सिर्फ नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव में लगता है डू या डज। यहाँ भी एफिर्मेटिव सेंटेंसेस में डिड नहीं लगेगा, बाकी सब में लगेगा। ठीक है, हमें पता है कि डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए हम एफिर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसमें डिड नहीं आएगा। और बाकी सब सेंटेंसेज में क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि उसमें डिड का यूज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से लिखी हुई है, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा क्यों होता है। अब मैं आपको सेंटेंसेज कराता हूँ सारे के सारे अलग अलग से। देखो एफिर्मेटिव सेंटेंसेज में कैसे कैसे सेंटेंस आएंगे और क्या क्या हम उसको रूल फॉलो करेंगे कि हमें इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना है। मैं कल दिल्ली गया था। देखो आज के लेक्चर में मैं जितने भी आपको सेंटेंस बताऊंगा ना, आप खुद हर एक सेंटेंस के बाद सोचना कि क्या उसके अंदर लास्ट में ता था, ते थे, ती थी, या फिर आ ए ई, या आ था, ए थे, ई थी, इस तरह की कोई आवाज़ आ रही है। क्यों? क्योंकि हम सीख क्या रहे हैं पास्ट इनडेफिनिट टेंस, सब में ऐसी आवाज़ आएगी। ठीक है, मैं कल दिल्ली गया था, तो आ था की आवाज़ आ रही है, क्या लिखेंगे? आई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, गो, वेंट, गोन, तो वेंट आएगा। आई वेंट कहाँ पे गया? दिल्ली। कब? कल। कल यानी कि पास्ट वाला कल यानी कि येस्टरडे, तो क्या लिखेंगे? आई वेंट टू दिल्ली येस्टरडे, मैं कल दिल्ली गया था। वह कल मुझसे मिला था, क्या लिखेंगे? ही मिला था। मिलना क्या होता है? मीट। और मीट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? मैट। मीट, मैट, मैट। ही मैट मी, मुझसे मिला था। कब? येस्टरडे, कल मिला था, तो ही मैट मी येस्टरडे। राम क्रिकेट खेलता था, तो क्या लिखेंगे? राम, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, प्लेड, राम प्लेड क्रिकेट, ताथा की आवाज आएगी ना, राम प्लेड क्रिकेट। अब देखो और सेंटेंस इसमें क्या है, शाम ने खाना खाया, आवाज किसकी आ गई? देखो आ, खाना खाया, आ की आवाज है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम फिर? शाम एट, सेकेंड फॉर्म क्या होती है? एट, शाम एट फूड, शाम ने खाना खाया, शाम एट फूड। राधा गाना गाती थी, थी थी की आवाज आ गई, तो क्या लिखेंगे हम? राधा सैंग, सिंग, सैंग, संग, सेकेंड फॉर्म लगानी है, सैंग ए सॉन्ग, राधा सैंग अ सॉन्ग, सेकेंड फॉर्म लगेगी, हमेशा ध्यान रखना। मेरे पापा रोज किताब पढ़ते थे, दे थे की आवाज आ गई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? माई फादर, माई फादर। अच्छा, पढ़ना क्या होता है? रीड। रीड की तीनों फॉर्म क्या होती है? यही होती है, रीड, और इसको भी रीड, इसको भी रीड, लेकिन इसको बोलने का तरीका क्या होता है? रेड, रीड, रेड, रेड। बोलने का तरीका अलग है लेकिन स्पेलिंग वही होती है। माई फादर रेड बुक
डेली। मेरे पापा रोज किताब पढ़ते थे, यानी कि पास्ट की उनकी ये हैबिट थी किताब पढ़ना, तो हम कह रहे हैं कि रोज किताब वो पढ़ते थे। आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो, गांधी जी की मृत्यु 1948 में हुई, लास्ट में किसकी आवाज आ गई, ई की, है ना। पास्ट की बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, तो क्या लिखेंगे, गांधी जी मृत्यु होना डाइड, डाई सेकेंड फॉर्म डाइड, गांधी जी डाइड इन 1948, सिर्फ इतना लिखेंगे और हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश में। एपीजे अब्दुल कलाम सदा सच बोलते थे, तेथे की आवाज़ आ रही है, तो क्या लिखेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम ऑलवेज, सदा, सदा का मतलब क्या होता है, ऑलवेज। अच्छा, स्पीक स्पोक स्पोकन, वर्ब की फॉर्म भी साथ साथ में लिखते रहो, स्पीक, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म स्पोक, और फिर क्या होती है, स्पोकन। हम कौन सी यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म, ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, सच बोलना क्या होता है, स्पोक द ट्रूथ। तो ये आ जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। देखो मैंने आपको 8 सेंटेंस करवा दिए, हर एक में मैंने किसका यूज किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। क्यों, क्योंकि एफिर्मेटिव सेंटेंस में डिड नहीं आता, इसलिए इनमें सेकंड फॉर्म का यूज होगा। लेकिन अब जितने भी हम सेंटेंस करेंगे आगे, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, उन सभी में क्या आएगा, डिड, और डिड आ गया तो इसका मतलब आपको सोचना है ही नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। अब देखो, मैंने कल एक पत्र लिखा, आ की आवाज आ गई, देखो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये बात किसकी हो रही है, पास्ट की बात आ रही है, तो क्या लिखेंगे, आई राइट रोट रिटन, सेकेंड फॉर्म क्या होती है, रोट, आई रोट ए लेटर, कल लिखा तो यानी कि यस्टरडे, आई रोट ए लेटर यस्टरडे, मैंने कल एक पत्र लिखा, उसने कल एक सुंदर कविता लिखी, तो उसने लड़की भी हो सकती है, लड़का भी, सी लगा देते हैं, सी लिखना वही रोट होता है, राइट रोट रिटन, सी रोट ए सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कविता यानी कि पोएम, कब लिखी, कल यानी कि यस्टरडे, तो सी रोट ए ब्यूटीफुल पोएम यस्टरडे। अब हम करते हैं क्या, मैंने यह कार पिछले महीने खरीदी, देखो आवाज किसकी आई, ई की, है ना, पास्ट की बात करते हैं, पिछले महीने, तो क्या लिखेंगे, आई बाय बोट बोट, सेकंड फॉर्म क्या होती है, बोट, यह कार, दिस कार जो आज मेरे पास है, आई बोट दिस कार पिछले महीने, पिछले महीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लास्ट मंथ, पिछले महीने को इंग्लिश में बोलते हैं लास्ट मंथ, यानी मैंने यह कार पिछले महीने खरीदी थी। हमने कल पार्क में क्रिकेट खेली, कल की बात कर रहे हैं, देखो पास्ट की, है ना, क्या लिखेंगे, हमने यानी कि वी प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेली, कहाँ पे खेली, इन द पार्क, इन द पार्क, वी प्लेड क्रिकेट इन द पार्क, कब खेली, कल यानी कि यस्टरडे, तो वी प्लेड क्रिकेट इन द पार्क यस्टरडे, ये आ जाएगा। उसने अपने भाई को बुलाया, बुलाया क्या, बुलाना क्या होता है, कॉल करना, तो क्या लिखेंगे, उसने, लड़के, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, शी लिख देते हैं, शी कॉल्ड, सेकेंड फॉर्म आएगी, सी कॉल्ड, अच्छा लड़की है तो क्या लगाएंगे, हर, सी कॉल्ड हर ब्रदर, या फिर लड़का होता तो हम फिर क्या लगाते, लड़के के लिए हम लगाते ही कॉल्ड, और फिर यहाँ पे हर की जगह क्या लग जाता, हिज, ही कॉल्ड हिज ब्रदर, उस लड़के ने अपने भाई को बुलाया, या उस लड़की ने अपने भाई को बुलाया, तो फर्क यहाँ पे हर और हिज में भी आएगा, ठीक है। अब देखो, भारत 1947 में आजाद हुआ, पास्ट की बात है, आ की आवाज आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, इंडिया आजाद होना यानी कि फ्रीडम प्राप्त करना, इंडिया गोट फ्रीडम, इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, भारत 1947 में आजाद हुआ। अब देखो हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या आएगा बताओ, डिड आएगा यानी कि नोट तो आया आएगा, है ना, डिड भी आएगा, नोट भी आएगा, और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों, क्योंकि सेंटेंसेस में अगर डिड आ गया ना, तो बस आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, कोई सेकेंड फॉर्म के बारे में सोचना ही नहीं है। मैं खाना नहीं पकाता था, आई पकाता था, देखो ताथा की आवाज़ आएगी ना, आई डिड नॉट, खाना पकाना क्या होता है, कुक, आई डिड नॉट कुक फूड, मैं खाना नहीं पकाता था। वह अपना कमरा साफ नहीं करती थी, कमरा साफ करना क्या होता है, क्लीन, क्लीन करना उसको, है ना, तो करती थी, लड़की है, शी डिड नॉट क्लीन, वो साफ नहीं करती थी क्या अपना कमरा, शी डिड नॉट क्लीन हर रूम, तो डिड नॉट आ गया, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखना है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है।
नेक्स्ट देखो, उसने कल अपना पाठ याद नहीं किया था, कल की बात कर रहे हैं ना, आ था की आवाज आ गई, तो क्या लिखेंगे? लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, लड़के के लिए कर देते हैं, ही डिड नोट. याद करना क्या होता है? लर्न, फर्स्ट फॉर्म लर्न ही होती है. ही डिड नोट लर्न हिज लेसन कब? कल, यानी कि येस्टरडे. ही डिड नोट लर्न हिज लेसन येस्टरडे. नीता ने गणित नहीं पढ़ा या गणित नहीं पढ़ी, तो क्या लिखेंगे? नीता डिड नोट, आ की आवाज आएगी ना, पास्ट की बात कर रहे हैं, डिड नोट स्टडी, गणित पढ़ना यानी कि स्टडी मैथमेटिक्स. नीता डिड नॉट स्टडी मैथमेटिक्स, नीता ने गणित नहीं पढ़ा, ये इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगी. लेखक अपने घर नहीं गया, लेखक क्या होता है? ऑथर, ऑथर बोल सकते हैं लेखक को हम. द ऑथर, बुक लिखने वाला जो होता है, अपने घर नहीं गया, यानी कि डिड नॉट तो लगाएंगे, पास्ट की बात है, डिड नॉट जाना क्या होता है? गो. द ऑथर डिड नॉट गो, कहाँ नहीं गया? अपने घर. द ऑथर डिड नॉट गो हिज होम. द ऑथर डिड नॉट गो टू लगा दो, है ना, कहीं जाना या ना जाना के लिए क्या लगाते हैं? टू. द ऑथर डिड नॉट गो टू हिज होम. वह अपने परिवार के सदस्यों से नहीं मिला, पास्ट की बात है, आ की आवाज आगे, तो क्या लिखेंगे? ही डिड नॉट मीट, नहीं मिला किन से? हिज फैमिली मेंबर्स. ही डिड नॉट मीट हिज फैमिली मेंबर्स. वह अपने परिवार के सदस्यों से नहीं मिला, ही डिड नॉट मीट हिज फैमिली मेंबर्स. उसने फर्श को अच्छी तरह साफ नहीं किया, उसने फर्श को अच्छी तरह साफ नहीं किया, पास्ट की बात आ गई, तो क्या लिखेंगे? ही डिड नॉट. अच्छा, फर्श को साफ करना क्लीन भी बोल सकते हैं, स्वीप भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्वीप करना भी फर्श को साफ करना होता है. ही डिड नॉट स्वीप द फ्लोर वेल. स्वीप द फ्लोर वेल, वेल क्यों लगाया? अच्छी तरह लिख रखा है ना, उसने फर्श को अच्छी तरह साफ नहीं किया, ही डिड नॉट स्वीप द फ्लोर वेल. अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें भी क्या आएगा? डिड तो आएगा, लेकिन इंटेरोगेटिव में डिड क्या आता है बताओ? स्टार्टिंग में आ जाता है ना आपका, डिड क्या आएगा? स्टार्टिंग में. क्या तुम क्रिकेट खेलते थे? तो डिड पहले आएगा, दे थे की आवाज़ आ गई, डिड यू प्ले क्रिकेट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आनी आनी है, क्यों? क्योंकि सेंटेंस में क्या आ गया आपका? डिड आ गया. तो डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते थे? क्या तुमने अपना कमरा सजाया था? आ था की आवाज़ आ गई, तो डिड पहले आएगा. डिड यू, कमरा सजाना क्या होता है? डेकोरेट. डिड यू डेकोरेट योर रूम? तो हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिड यू डेकोरेट योर रूम, क्या तुमने अपना कमरा कल सजाया था? क्या इस लड़की ने गाना गाया था? क्या इस लड़की ने गाना गाया था? तो डिड पहले लगेगा, इस लड़की ने, दिस गर्ल लिख दें, डिड दिस गर्ल सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग. अगर ये आ जाता, क्या कल इस लड़की ने गाना गाया था, तो येस्टरडे लगा देते, डिड दिस गर्ल सिंग अ सॉन्ग येस्टरडे. क्या धोबी ने तुम्हारे कपड़े धोए थे? धोबी क्या होता है? वॉशरमैन. डिड, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? डिड द वॉशरमैन, द में टी छोटा आएगा, डिड द वॉशरमैन वॉश योर क्लोथ्स? क्या धोबी ने तुम्हारे कपड़े धोए थे? डिड द वॉशरमैन वॉश योर क्लोथ्स. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा, ठीक है, ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ गया आपका? डिड आ गया, ठीक है. क्या कल तुमने खाना खाया था? तो डिड आ जाएगा, डिड यू ईट फूड. कल भी आ गया, तो क्या लगा दो? येस्टरडे. क्या कल तुमने खाना खाया था? डिड यू ईट फूड येस्टरडे. अब अपने क्या आएंगे सेंटेंस? इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो इसमें डिड आएगा, नोट भी आएगा, ठीक है. क्या तुम खाना नहीं खाते थे? क्या भी आ गया और नहीं भी आएगा, है ना, ते थे की आवाज़ तो आएगी, तो क्या लिखेंगे बताओ? डिड यू नॉट ईट फूड, डिड यू नॉट ईट फूड, क्या तुम खाना नहीं खाते थे? तो आपको ये पता लग जाएगा यहाँ पे कि नॉट कहाँ पे लगाना है, वो जैसे जैसे आप सेंटेंस की प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा. क्या तुमने उसकी सहायता नहीं करी? तो डिड यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, ठीक है. सहायता करना क्या होता है? हेल्प. किसकी? लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर, तो क्या तुमने उसकी सहायता नहीं की? डिड यू नॉट हेल्प हिम. क्या लड़के बाजार नहीं गए थे? ए थे की आवाज आ गई, नहीं भी आ गया और क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? डिड द बॉयज, और इसके बाद नोट लगेगा, नोट जाना, गो टू द मार्केट. डिड द बॉयज नोट गो टू द मार्केट, क्या लड़के बाजार नहीं गए थे? इसमें देखो क्या आएगा, क्या अध्यापक ने तुम्हें गणित नहीं पढ़ाई? ई की आवाज आ गई, नहीं, और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? डिड द टीचर, नहीं आ गया तो सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट टीच यू मैथमेटिक्स, टीच यू मैथमेटिक्स, तो क्या कल अध्यापक ने, या क्या अध्यापक ने तुम्हें गणित
नहीं पढ़ाई। तो इस तरह से हम सेंटेंस क्या बना सकते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा, क्या भी आ गया, नहीं भी, और पास्ट की बात है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बताओ, डिड पुलिस या द पुलिस, डिड द पुलिस, फिर नोट आएगा, और पकड़ना क्या होता है, कैच, डिड द पुलिस नोट कैच द थीफ, चोर क्या होता है, थीफ, टी एच आई ई एफ, डिड द पुलिस नोट कैच द थीफ। क्या कल तुम आगरा नहीं गए थे, नहीं भी आ गया, और क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, डिड यू, फिर नोट आएगा, गो टू आगरा कल, येस्टरडे लिख देंगे, डिड यू नो को नोट गो टू आगरा येस्टरडे, क्या कल तुम आगरा नहीं गए थे। अब देखो, अब ये तो हमने क्या है, प्रैक्टिस कर ली प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनेट टेंस की। अब क्या है इसके रूल्स, यानी कि मैंने क्या बताया आपको, बड़ी क्लास में जब आप हो गए, एट्थ क्लास में या सेवन्थ क्लास में भी, तो आपके पेपर के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, और आपसे ये कहा जाएगा फिल विद करेक्ट वर्ब। आपको खुद देखना है कि उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस सी आई एस लगेगा, ING लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगी या थर्ड फॉर्म लगेगी, एग्जामिनर आपको कभी भी नहीं बताएगा, ठीक है। तो वो हम कैसे देखेंगे, जब हम सेंटेंस की हिंदी बनाते हैं, हिंदी बनाने से हमारे को आइडिया हो जाएगा। और कुछ क्या होती है, कुछ स्पेशल सेंटेंसेज होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे लास्ट वर्ड आए, यस्टरडे वर्ड आएगा, एगो, मैंने हिंदी लिख रखी है साथ में, ठीक है, एगो का मतलब पहले, लॉन्ग एगो का मतलब बहुत पहले, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट का मतलब क्या होता है, कल वाली रात, है ना, पिछली रात, लास्ट इवनिंग, लास्ट वर्ड आ जाए, लास्ट के साथ चाहे नाइट आ जाए, मॉर्निंग आ जाए, इवनिंग आ जाए, लास्ट के साथ मंथ आ जाए, ठीक है, येस्टरडे मॉर्निंग यानी कि कल सुबह, एनी ईयर कोई साल आ जाए, जैसे मान लो इन 1948 हमने किया था ना, गांधी जी की डेथ 1948 में हुई, इस तरह से कोई भी आपके इनके वर्ड आ जाए ना, आपको क्या लगाना है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस का मतलब क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, या फिर अगर डिड आएगा या डिड नॉट आएगा, तो फिर उसके बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी ही लगानी है। कहने का मतलब, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का एक ही मतलब है, क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर अगर डिड नॉट लग गया तो फिर वर्ब की क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगेंगे, ठीक है। तो देखो, हम अब कुछ रूल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कहता है, ही बाय ए न्यू कार यस्टरडे, आप ध्यान रखते जाना क्या वर्ड आएगा, यस्टरडे, उसने कल एक नई कार खरीदी, पास्ट की बात कर रहे हैं, बाय की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, बोट, ही बोट ए न्यू कार यस्टरडे, सी सेल हर काउ यस्टरडे, उसने कल अपनी गायें बेची, फिर यस्टरडे आ गया, सेल की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, सोल्ड, सी सोल्ड हर न्यू काउ या सी सोल्ड हर काउ यस्टरडे, My father go to Delhi last night. देखो last night का मतलब क्या होता है, पिछली रात या कल रात, तो past indefinite यानी कि second form क्या लिख देंगे, went. My father went to Delhi last night. मेरे पिताजी कल रात दिल्ली गए. फिर देखो, I read a poem yesterday morning यानी कि कल सुबह, जो कल बीत चुका है, yesterday, कल सुबह मैंने एक poem पढ़ी या कविता पढ़ी, तो क्या लगा देंगे, second form. और read की second form क्या होती है, read. Spelling वही होती है, ठीक है. He go to meet Mohit yesterday. Word कौन सा आ गया? Yesterday. तो verb की क्या लगेगी? Second form. He went आ जाएगा, ठीक है? He went to meet Mohit yesterday. वह कल मोहित से मिलने गया. Rohan sell his old house last year. Last year आ गया ना, फिर वही. यानी कि पिछले साल राहुल ने या रोहन ने, ये रोहन कर लेना, रोहन ने अपना पुराना घर बेच दिया. तो verb की second form क्या लगेगी? Sold. Sell, sold, sold. सीता बाय ए डजन बनाना यस्टरडे, क्या वर्ड आ गया, यस्टरडे, तो सेकंड फॉर्म लगेगी. बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बोट. मैंने सब इंग्लिश और हिंदी लिखी हुई है. आई लीव दिल्ली 2 years ago, यानी कि मैं कहता हूँ कि मैंने दिल्ली को 2 साल पहले ही छोड़ दिया था, यानी पहले मैं दिल्ली में रहता था, लेकिन 2 साल पहले मैं दिल्ली को छोड़ चुका हूँ. तो क्या लिखेंगे, आई लेफ्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्यों, एगो आ गया. एगो का मतलब क्या होता है, पहले. एगो आ जाए, लॉन्ग एगो आ जाए, ठीक है, तो इसमें क्या लगेगी, आपकी पास्ट इंडेफिनेट टेंस. सी डेकोरेट हर रूम यस्टरडे, उसने कल अपना कमरा सजाया. तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी, क्या लगेगी, डेकोरेटेड. अब देखो आगे, आई नोट रीड. अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट आते हैं, इसमें क्या आ गया, देखो सभी सेंटेंसेस के अंदर नोट आ गया, ठीक है. तो बच्चे यहाँ पे समझ नहीं पाते कि नोट से पहले क्या लगाएं, डू नोट लगाएं, डज नोट लगाएं या डिड नोट लगाएं, ठीक है, या वाज नोट लगाएं. तो मैं आपको बताता हूँ, वर्ड क्या आ गया, देखो यस्टरडे, ये क्या आ गया, यस्टरडे, ये क्या आ गया, लास्ट नाइट. इस तरह के वर्ड आते हैं, तो ये सेंटेंस जो आपका टेंस है, ये कौन सा होता है बताओ, पास्ट इंडेफिनेट होता है. और पास्ट इंडेफिनेट टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होना चाहिए, फिर डिड का. तो यहाँ पे भी क्या लगेगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब
डिड लगेगी, ठीक है। और डिड के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आई डिड नॉट रीड द रामायण यस्टरडे, मैंने कल रामायण नहीं पढ़ी, तो हम क्या लिखेंगे, आई डिड नॉट रीड। क्यों लगाया मैंने डिड नॉट, कैसे पता लगेगा, क्योंकि यस्टरडे वर्ड आ गया, ठीक है। ये पहचान है इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। सी नॉट डेकोरेटेड डेकोरेट हर रूम यस्टरडे, इनकी नोट आ गया, मतलब हम ये बता रहे हैं कि उसने कल अपना कमरा नहीं सजाया था, तो क्या लिखेंगे, डिड नॉट तो लगाएंगे, और डिड के बाद वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है, सिर्फ फर्स्ट आती है, तो डिड नॉट डेकोरेट आ जाएगा। सी नॉट सिंग वेल लास्ट नाइट, यानी कि कल रात उसने अच्छा गाना नहीं गाया था, या उसने अच्छा नहीं गाया, अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्या लिखेंगे, शी डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी सिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, ठीक है। अब देख लो, द गार्डनर वॉटर द प्लांट्स यस्टरडे, मतलब कि माली ने कल पौधों को पानी दिया। वॉटर द प्लांट्स क्या होता है, पौधों को पानी देना, तो इसमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी सीधी, वॉटर है तो ईडी लगा दो, वॉटर, ठीक है। वॉटर नाउन भी होता है पानी, और वर्ब भी होती है पानी देना। दे लीव फॉर लंदन लास्ट नाइट, लास्ट नाइट आ गया, मतलब कि वो कल रात लंदन के लिए निकले थे, तो क्या लिखेंगे, लीव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। आई नोट, नोट प्ले आ गया, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या लिखेंगे, डिड का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। दे डिड नॉट प्ले बास्केटबॉल यस्टरडे, कल उन्होंने बास्केटबॉल, या आई आ गया, तो कल मैंने बास्केटबॉल नहीं खेली, तो क्या लिखेंगे, आई डिड नॉट प्ले, ये आपका आ जाएगा, आई डिड नॉट प्ले बास्केटबॉल यस्टरडे। सी मेक ए ब्यूटिफुल पेंटिंग लास्ट वीक, उसने पिछले सप्ताह एक बहुत सुंदर चित्र बनाया, पेंटिंग बनाई, तो क्या लिख देंगे, मेड, क्यों, क्योंकि वर्ड क्या आ गया आपका, लास्ट वीक आ गया, पास्ट की बात कर रहे हैं। ये देखो, इस सेंटेंस से क्लियर होगा कि आप पास्ट की बात कर रहे हो। वेन आई वॉज यंग, यानी कि जब मैं यंग था, जब मैं नौजवान था, आई प्ले टेनिस डेली, मैं डेली टेनिस खेला करता था, यानी मैं अपनी पास्ट की हैबिट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, आई प्लेड आ जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ही गो टू वॉच क्रिकेट येस्टरडे, यानी कि कल वह मैच देखने गया, क्रिकेट देखने गया, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या आ जाएगी, वेंट, गो, वेंट, गोन। इसमें देखो, ही बोट ए न्यू हाउस लास्ट ईयर, उसने पिछले साल एक नया घर खरीदा, पास्ट की बात कर रहे हैं, लास्ट आ गया, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, बोट, बाय, बोट, बोट। सी डू हर होमवर्क हर सेल्फ वेन शी वॉज इन स्कूल, हम ये कहना चाहते हैं जब वो स्कूल में पढ़ती थी ना, जब वो छोटी थी, तो अपना सारा होमवर्क वो खुद करती थी बिना किसी की हेल्प के, घर पे मम्मी पापा की हेल्प नहीं लेती थी, स्कूल में अपने क्लासमेट की हेल्प नहीं लेती थी, तो शी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, डू की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, डिड, डू डिड डन, सी डिड हर होमवर्क हर सेल्फ वेन सी वॉज इन स्कूल। अब देखो, अब हम करते हैं कुछ और प्रैक्टिस सेंटेंसेस। आई रिसीव यूअर मैसेज लास्ट वीक, वही है जो हमने अभी तक करे हैं, कि मुझे आपका पिछले सप्ताह आपका मैसेज मिला, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिसीव्ड, आर ई सी ई आई वी ई डी लगा दो बस। शी लीव स्कूल लास्ट ईयर, लास्ट आ गया, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, लेफ्ट आ जाएगी। उसने पिछले साल स्कूल छोड़ा था, या उसने पिछले साल स्कूल छोड़ा। यू नॉट गो टू पिकनिक यस्टरडे, देखो यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और वर्ड क्या आ गया, यस्टरडे, इसका मतलब यस्टरडे वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताओ मेरे को आप, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, शुरू में डिड लगाते हैं, और अगर नोट भी लगाना है तो नोट कहाँ पे लगता है, सब्जेक्ट के बाद लगता है, तो स्टार्टिंग में क्या लगेगा, डिड, डिड यू नॉट गो टू पिकनिक यस्टरडे, क्या कल तुम पिकनिक पर नहीं गए थे, या क्या कल तुम पिकनिक नहीं गए। शेक्सपियर राइट ए नंबर ऑफ प्ले, प्ले क्या होते हैं, नाटक, है ना, यानी कि शेक्सपियर ने अपने जीवन काल में बहुत सारे नाटक लिखे थे, क्योंकि ये बहुत महान क्या हुए हैं, पोइट हुए हैं, जो नेचर के ऊपर और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के ऊपर पोएम लिखते हैं। शेक्सपियर सेकेंड फॉर्म क्या आएगा, रोट। आई फ्लाई टू लंडन लास्ट ईयर, देखो फ्लाई का मतलब हम अपने बारे में ये बात नहीं करते कि मैं उड़ के लंदन गया, फ्लाई का मतलब यहाँ पे क्या है, मैं हवाई जहाज से लंदन गया, मैं पिछले साल लंदन गया था, तो आई फ्लाई, फ्लू, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फ्लाई, सेकेंड फॉर्म क्या होती है, फ्लू, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, एफ एल ओ डब्ल्यू एन, फ्लोन, ठीक है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। इसमें देखो, माई सर्वेंट लीव मी लास्ट वीक, लास्ट वर्ड आ गया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मेरा नौकर मुझे पिछले सप्ताह छोड़कर चला गया, तो सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, लेफ्ट, माई सर्वेंट लेफ्ट मी। इन द पास्ट, बात कर रहे हैं पास्ट की, यानी कि भूतकाल में, पास्ट के अंदर
मैन लिव्ड इन केव्स, केव क्या होते हैं, गुफा, मनुष्य कहता है गुफाओं में रहा करता था, सच है झूठ है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे को क्या करना है, पास्ट की बात आ गई तो यानी कि सेकंड फॉर्म लिव्ड आएगा, ठीक है। मनुष्य गुफाओं में रहता था इन द पास्ट। अशोका बिल्ट दिस टावर लॉन्ग एगो, देखो लॉन्ग एगो वर्ड आ गया, मैंने बताया था एगो लॉन्ग एगो ये वर्ड आए तो हमारे को ध्यान रखना है क्या होगा आपका, पास्ट इनडेफिनेट टेंस। अशोका ने यह टावर काफ़ी पहले बनवाया था, जब अशोका जिंदा थे, राजा थे वो, सेकंड फॉर्म आएगी क्या, बिल्ट 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 बिल्ट, ये क्या है आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। दे नोट लर्न देयर लेसन लास्ट वीक, देखो लास्ट वीक यानी कि पास्ट इनडेफिनेट है लेकिन साथ में क्या आ गया, नोट आ गया, तो नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डिड। दे डिड नोट लर्न देयर लेसन लास्ट वीक, उन्होंने पिछले सप्ताह अपना पाठ याद नहीं किया था। आई गो टू शिमला इन 2009, देखो ये क्या आ गया, कोई ईयर आ गया ना, और मैंने बताया था कोई पिछले साल के ईयर की बात करें हम, 2 साल पहले, 10 साल पहले, 50 साल पहले, तो इसका मतलब हम कहाँ की बात कर रहे हैं, पास्ट की। तो आई वेंट टू शिमला इन 2019, यानी कि मैं 2019 में शिमला गया था। गोपाल नोट, नोट आ गया यानी कि नेगेटिव बनेगा, यानी कि क्या लगेगा, डिड। गोपाल नोट अटेंड द क्लास यस्टरडे, यानी कि कल की क्लास गोपाल ने नहीं लगाई या कल की क्लास उसने अटेंड नहीं करी, तो क्या लिखेंगे, डिड लगाएंगे ना, गोपाल डिड नोट अटेंड द क्लास यस्टरडे, कल की क्लास उसने नहीं लगाई। शी राइट ए लेटर टू हर फादर लास्ट इवनिंग, लास्ट वर्ड आ गया यानी कि कल शाम उसने अपने पापा को पत्र लिखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट होती है। शीतल नोट सिंग ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे, नोट आ गया यानी कि नेगेटिव बनाएंगे, शीतल ने कल एक मधुर गीत नहीं गाया, यस्टरडे आ गया, तो क्या लिखेंगे, शीतल डिड नोट सिंग ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे। इन माई चाइल्डहुड, बचपन में या मेरे बचपन में, आई नेवर प्लेड टेनिस, कहते हैं मैं अपने बचपन में कभी टेनिस नहीं खेलता था, या मैंने अपने बचपन में कभी टेनिस नहीं खेली, तो पास्ट की बात आ गई ना, देखो यहीं से पता लगेगा कि पास्ट की बात आ रही है। इन माई चाइल्डहुड आई नेवर प्लेड टेनिस, मैंने कभी टेनिस नहीं खेली। जॉन कैच द 3 फिश यस्टरडे, ये क्या आ गया, यस्टरडे जॉन ने कल 3 मछलियां पकड़ी, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म कैच कोट, CAUGHT, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग जाएगी बस सीधी सीधी। आई सी ए वाइट एलिफेंट यस्टरडे, कल मैंने एक सफेद हाथी देखा, यस्टरडे आ गया, तो सी की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, सो, सी फिर सेकेंड फॉर्म होती है सो, और थर्ड फॉर्म आपकी क्या होती है, सीन। इंडिया विन द मैच लास्ट नाइट, लास्ट का मतलब फिर वही प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि कल रात भारत ने मैच जीत लिया या भारत मैच जीत गई, पास्ट की बात कर रहे हैं, वन, सेकेंड फॉर्म क्या होती है, विन की, वन, विन, वन, वन। इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, ये क्या आ गया बताओ, कोई ईयर आ गया, और मैंने बताया था कोई पास्ट का ईयर आ जाए तो हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म गेट, गेट, गोट, गोट, फ्रीडम, इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947। ये देखो ही बिल्ट दिस हाउस इन 2018, वही पास्ट की बात आ गई, कह रहे हैं कि इन्होंने यह घर 2018 में बनवाया था या बनाया था, तो बिल्ट, BULD, बिल्ट, ये टी लग जाएगा, ठीक है, बिल्ड बिल्ट बिल्ट। द गर्ल नोट, नोट आ गया, ए सॉन्ग यस्टरडे, तो क्या लगाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाने के लिए डिड लगेगा, और डिड के बाद कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। द पियोन नोट आ गया, फिर वही, द बेल यस्टरडे, चपरासी ने कल घंटी नहीं बजाई, तो द पियोन डिड नोट रिंग द बेल यस्टरडे, ये आपके सेंटेंस है। देखो द टीचर डैश द टीचर टीच यू इंग्लिश यस्टरडे, देखो यस्टरडे आ गया मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है लेकिन साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी है, तो क्या लिखेंगे फिर, डिड स्टार्टिंग में, डिड द टीचर टीच यू इंग्लिश यस्टरडे, क्या अध्यापक ने कल तुम्हें इंग्लिश पढ़ाई या अंग्रेजी पढ़ाई, फिर वही बात, इसमें यस्टरडे वर्ड आ गया और साथ में क्या है आपका इंटेरोगेटिव, डिड स्टार्टिंग में आएगा, डिड दे ये आएगा गिव, यहाँ पे ब्रैकेट में वर्ब लिख लेना गिव, डिड दे गिव यू मनी यस्टरडे, क्या उन्होंने कल तुम्हें पैसे दिए, डिड दे गिव यू मनी यस्टरडे, फिर वही आ गया आपका क्या आ गया, स्टार्टिंग में डिड आ जाएगा, यस्टरडे वर्ड आ गया, तो इसमें क्या लिखेंगे हम फिर, डिड, डिड यू हेल्प द वाउंडेड, वाउंडेड क्या होता है, घायल व्यक्ति, जो घायल व्यक्ति होता है उसको वाउंडेड बोलते हैं इंग्लिश में, वाउंड, वाउंड क्या होता है, अगर अकेला वाउंड वर्ड पूछ रहे ना आपसे, इसका मतलब क्या होता है, घाव, जैसे चोट लगने के बाद घाव हो जाता है तो उसको इंग्लिश में वाउंड बोलते हैं, और वाउंडेड क्या होता है, घायल व्यक्ति जिसको चोट लग जाती है। डिड यू हेल्प, हेल्प का मतलब क्या होता है, सहायता करना, यानी कि क्या कल तुमने घायल व्यक्ति की सहायता की थी। विराट प्ले हॉकी इन हिज चाइल्डहुड,
देखो पास्ट की बात करें ना कि अपने बचपन में विराट हॉकी खेला करता था, तो क्या आ जाएगा इसमें, प्लेड आ जाएगा। ही फेल इल लास्ट नाइट, लास्ट नाइट आ गया तो किस, क्या है फिर ये पास्ट इंडेफिनिट, तो फॉल फेल, फॉल फेल, ही फेल इल लास्ट नाइट, वो कल रात को या पिछली रात को बीमार पड़ गया या फिर बीमार हो गया। तो ये था अपना पूरा का पूरा क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम कर लेते हैं अपनी आज की पांच वर्ब्स और फिर आज का लेक्चर खत्म। सेल, सेल मैंने क्या होता है, बेचना। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सोल्ड, बहुत बार यूज कर चुके हैं आज हम इसको, सेल सोल्ड सोल्ड। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगानी हो तो सेल के बाद सिर्फ क्या लगा दो, आईएनजी लगा दो। स्कोल्ड, स्कोल्ड क्या होता है, डांटना। अगर सेकेंड फॉर्म बनानी है तो ईडी लगा दो, वही थर्ड फॉर्म में लगेगा। और आईएनजी लगाना है तो स्कोल्ड के आगे क्या लगा दो, बस आईएनजी लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। विन, विन क्या होता है, जीतना। ये देखो वर्ब की फॉर्म तो पता है आपको, वन, लेकिन इसको वोन नहीं बोलते, वोन वन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं, विन वन वन। और विनिंग, WIN, एन क्या हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। फिर वॉच, वॉच मैंने देखना, जैसे टीवी देखना या कोई मैच देख रहे हैं हम, ठीक है, तो ईडी लगा दो बस, वॉच वॉच वॉच्ड। और WATCH, वॉच लिख के ING लगा दो तो क्या बन जाएगा, वॉचिंग बन जाएगा आपका। फिर उसके बाद देखो सी, सी मैंने देखना, सी सो सीन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING तो ING लगा दो, बस सींग आ जाएगा, ठीक है, सी सो सीन और सींग आ जाएगा। तो ये था आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।